जिला पुलिस ने 5 अपराधियों को धर दबोचा है और इसके पास से 1 पिस्टल, 4 गोली और 5 मोबाइल सहित 5,000 रुपए बरामद किए हैं। शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों में बढ़ रही अपराधी घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर प्रशासन काफी सशक्त हो गई है और इसका परिणाम भी दिखने लगा है। जिला पुलिस ने 5 अपराधियों को धर दबोचा है और इसके पास से 1 पिस्टल, 4 जिंदा गोली, 5 मोबाइल सहित 5,000 रुपए बरामद हुए हैं। आपको बता दें, ये सभी अपराधी ब्रह्मानंद आशियाना के DM आसित सेन गुप्ता को मारने वाला था। योजना बनाने के क्रम में पुलिस ने बोचा। आपको बता दें, गिरफ्तार सभी अपराधी सुपारी किलर है। 15,000 रुपए में इन अपराधियों ने आसित सेन गुप्ता का हत्या करने का ठेका लिया था और इस हत्या को सुपारी ब्रह्मानंद के कैशियर सोनू ने दी थी। हालांकि सोनू भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। वैसे इस घटने को अंजाम देने का कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन पुलिस की इस सफलता ने आम लोगों को राहत दी है। मंगू मांझी कुशल पॉल, इसमें से लालटू कुमकार एवं आकाश त्रिया का पूर्व आपराधिक इतिहास रहा है। पूर्व में भी ये डकैती के कांड में जेल जा चुके हैं। पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि सोनू नाम का एक व्यक्ति है जो आसियाना ब्रह्मानंद तामुलिया में कार्यरत जो एक पदाधिकारी हैं, उनकी हत्या ये करवाना चाह रहा है और इस हत्या को कॉन्ट्रैक्ट के रूप में इसने 15,000 रुपया पर बात किया है और 5,000 रुपया इसने एडवांस में भी दे दिया है। आसियाना ब्रह्मानंद में सोनू है जो इसमें अकाउंट के रूप में कार्यरत था। इसका ये कहना है कि ये 5,000 रुपया इसने लल्टू कुंभकार, आकाश तिरिया और उमेश माझी को दिया था और 15,000 में उस संस्था के पदाधिकारी की हत्या करने की योजना थी। 5,000 रुपया ये लोग प्राप्त भी कर लिया था और ये लोग उसकी हत्या की को क्रियान्वयन करने जा रहे थे। इसके अलावा भी जेल में बंद एक अपराधी है अजीत टुड्डू, उससे भी इसकी बात हुई थी और उसकी मदद से ये विजय जो भी जेल में बंद है, जेल में निकलता तो 40,000 रुपया में उसकी हत्या करने की इसकी योजना थी।